give me that. That pizza, sir. अरे हाथ दादा, हाथ नीचे करो, यहीं पे एकदम दिखलाना है। अरे दादा बन रहा है, अरे हाथ करो ना नीचे यार। दादा I'm look here. जी ये एक नवाबी फैमिली का स्टोरी है, बहू बेगम जो कि सिमोन मैम है एंड उसकी उनकी फैमिली की पूरी कहानी है। इट्स एक्चुअली लव ट्राइंगल, कैसे एक लड़का, उसकी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एक शादी में जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं वो आप लोग देखना। बट इट्स ऑल वेरी सर्कमस्टेंशियल एंड या आई होप यू गाइज लाइक इट। वी हैव अ ब्यूटिफुल कास्ट, ब्यूटिफुल स्टोरी एंड सम ब्यूटिफुल गर्ल्स, सो प्लीज वॉच इट। ओके, सो फिल्म की अगर इस शो की बात करें, इसका नाम जो है बहुत यूनिक है, बहू और बेगम, तो क्या ये एक मॉम की चॉइस, एक आपकी चॉइस है? नो, इट्स बहू बेगम। बहू बेगम एक ही इंसान है जो सिमोन जी है, जो भोपाल की बहू बेगम, रानियों को जो कहा जाता है इन आई थिंक मुस्लिम्स इस कास्ट में, इस रिलीजन में दे कॉल इट बहू बेगम। फिल्म भी है रजिया, सो वो प्ले करेंगी हमारी सिमोन मैम, सो इट्स ऑन हर एंड इट विल बी बहू बेगम। वाई? बिकॉज आफ्टर हर इट विल बी पास्ड ऑन टू जो भी हैं, जो आगे आप स्टोरी में देखने जाएंगे। सो कौन बनेगी बहू बेगम इज द होल कॉन्सेप्ट। जी मेरे किरदार का नाम अजान है, वो भोपाल के होने वाले नवाब हैं एंड अपनी अम्मी के लाडले हैं और अच्छे इंसान हैं, बहुत ही कभी भी गुस्सा आ जाता है उनको, एक वायलेंट स्ट्रीक है, बट लंदन से पढ़ के आए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, तो एक बहुत ही रॉयल फैमिली है एंड किरदार कैसे आगे चेंज हो जाता है, थोड़ा फंस जाता है वो आप लोग देखना। जी नहीं, एक्चुअली मेरा उस पर कुछ वो नहीं है, बट इस शो उसके बारे में नहीं है, सो आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस। ओके, सो
ओके सिंस नवाबी फैमिली बताने वाले हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी आप लोगों को, उर्दू लैंग्वेज की पकड़। नॉट टू मच यार, बिकॉज कंटेम्प्रेरी सीरियल इतना ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेसिव में नहीं जा रहे हैं, हम उसको एक फैशनेबल स्टेट पे कंटेम्प्रेरी रखते हुए आज की हम आज का दौर दिखा रहे हैं, तो हम उस चीज को लेके लाइक हाउ शाहरुख, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, शाहरुख खान इज अ नवाब, केतरी जी भी आ जाते हैं, तो केतरी जी में वो हिंदू का, बट जस्ट सेइंग दैट हमें ऐसा लगता है दैट अगर मुस्लिम शो है तो एकदम कट्टर लैंग्वेज होनी चाहिए, बट वो भी होता है, वो साइड रहता है, बट आई थिंक आजकल आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स और एक्टर्स आल्सो हैव जो भोपाल लखनऊ से भी आए हुए हैं, बट दे डोंट टॉक इन, एक आपको उसका एक वो मिलेगा, फ्लेवर रहेगा, फ्लेवर तो रहेगा, एंड उनकी जितने भी फेस्टिवल्स होंगे या द वे दे ड्रेस वो थोड़ा सा आप देखेंगे रिफ्लेक्ट तो करेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, मजा बहुत अच्छा लगता है। ओके एपिसोड शूट्स हुए कितना मजा किया आपने? आई थिंक एक क्रेडिट सबसे ऊपर जाना चाहिए हमारे डायरेक्टर को, बेस्ट डायरेक्टर, फन बेस्ट डायरेक्टर, मिस्टर प्रतीक शाह, मिस्टर प्रतीक शाह, he is a confident man he's a very 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 cool guy yaar and actually ye puri team bahut achhi hai kyunki sari young logo ki team hai, no offense to anybody, so from but our producer, yeah, producer director, to director, from our creative director, everyone's a young, it's a young team, so it's fun on set, yeah. And good vibes, everyone is really nice, so we are enjoying the shoot so far. ji main अगर आपको बताऊं तो अजान थोड़ा अलग है मुझसे, क्योंकि उसको बस गुस्सा आ जाता है, वो तो शायद नहीं 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 ये तो वही है वो मैं शायद थोड़ा मिला सकता हूँ, बट वो भी मैं ऐसे गुस्सा होता हूँ और ऐसे ठंडा भी हो जाता हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक आई कांट रिलेट टू हिम इन दैट मच जोन आल्सो, बिकॉज काफ़ी अलग है मुझसे पर्सनली, मुझसे पूछेंगे और नवाब है और आई विश आई कुड बी लाइक अजान, आप मुझसे पूछेंगे उसका जवाब ही देंगे, ये नूर ही है, ये पहले दिन से नूर ही है, समीक्षा इज नूर, पीरियड। आई थिंक कम्प्लीटली आई डोंट हैव टू एक्ट एंड द फन पार्ट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट बट फन बिकॉज इट्स चैलेंजिंग बिकॉज आई हैव टू हैव सो मेनी कलर्स इन मी इन एवरी सीन कि वो एक जैसा एक होता है कि सो एक जैसा जो आप लहजे में बात करते हैं तो वो एक रूटीन बन जाता है, वेयर एज नूर डजंट हैव अ रूटीन, शी विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेम्पो, एंड मैं बात कर रही हूँ एक मिनट सुन ले, नहीं तो फिर ऐसा टेम्पो रहेगा, एंड इट्स गोना बी फन बिकॉज़ आई कैन डू व्हाटएवर द I want to do. Tell you what. Okay, अच्छा यार अभी. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. इसका ये है कि बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर शांत हो जाता है. तो he's just like. नहीं बुरी चीज़ नहीं. नहीं बता नहीं बता दे. फैंस को ये कहना चाहेंगे यार प्लीज 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 ये शो देखिए, आप लोगों ने यू गिवन अस सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच एडमिरेशन, प्लीज दिस इज अ न्यू शो, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर बोथ ऑफ अस, सो आई रियली होप यू गाइस लाइक इट एंड वॉच इट 15 जुलाई 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स एंड एनी टाइम ऑन वूट, थैंक यू, जिसका नाम है बहू बेगम, बताइए कुछ इसके बारे में, किस तरीके के नजर आएंगे, ये स्टोरी है एक रॉयल फैमिली की भोपाल की जिसका नाम है बहू बेगम, है ना, और इस स्टोरी में तीन लोग हैं मेजर जो लोग हैं उनका नाम है अजान, नूर और शायरा, सो ये दोस्ती मोहब्बत और प्यार की स्टोरी है, बेसिकली दोस्ती और मोहब्बत की स्टोरी है, वो कैसे बनती है कैसे टूटती है उसमें मेरा कितना हाथ होता है वो सब कुछ आपको देखने में, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट शेड मिलेंगे देखने में इसमें, नेगेटिव नेगेटिव, मैं अभी इस शो में दो ही लड़के हैं यार, मतलब है ना तीसरा मेरा बेटा बना है वो थोड़ा सा पागल है तो इस शो में दो ही लड़के हैं, एक अजान है और एक असगर है, तो डिफरेंट जॉनर है मेरे लिए, एक चैलेंजिंग रोल है, पहला तो पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार टीवी में अपनी इंटायर लाइफ में एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ जिसका नाम है बहू बेगम, सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, दूसरी चीज़ जो सबसे मैंने अभी तक किसी से शेयर भी नहीं की है तो ये है कि जो मेरी वाइफ बनी है उनका नाम है सुरैया, तो मेरी रियल मॉम है उनका नाम भी सुरैया है, है ना, तो बहुत एक मतलब होता है बॉन्डिंग वाली बात, तो जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है, अभी समझ नहीं पाता हूँ कि बीवी बोल के उसको बोलूँ या माँ समझ के बोलूँ उसको, तो वो एक चीज़ है उसका, मेरी मॉम का नाम भी सुरैया परवीन है और उनका नाम है सुरैया बेगम,
तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। और मुस्लिम शो है और करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि पहली बार एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे एडवांटेज मिल गई हैं कि रिलेशन, इमोशंस, मोहब्बत और मुस्लिम फैमिलीज़ में कैसे कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट पे ऐसे होती हैं कि यार ऐसे मत, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐसे नहीं होता मुस्लिम फैमिली में। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो अभी करूँगा तो पता चलेगा। ओके, कई बार यू नो एक्टर्स जो है वो झिझकते हैं जब नेगेटिव रोल की बात आती है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा था कि नहीं? पहले मुझे लगता था थोड़ा सा ऐसा भी, यार नेगेटिव तो क्यों करना है। तो फिर मुझे लगा कि अगर आपको अपनी एक एज एन, अगर आप आर्टिस्ट हो, है ना, अगर आपको एक चीज़ मिलती है करने में जिसमें डिफरेंट शेड हो, जो आपकी एक्टिंग ग्राफ को भी चेंज कर दे, ताकि लोगों को पता चले कि आपके अंदर कितना कुछ है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो अगर मैं सारी चीज़ें, आप देखते हो टीवी में एक ही रोल कर करके लोग कितना हो जाता है, मतलब हीरो के पास कितनी वो होती है, क्या होता है, लिमिट होती है। लेकिन एक नेगेटिव के पास अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। हीरो के पास बाउंड्री होती है, लेकिन नेगेटिव के पास बाउंड्री नहीं होती। वो थाड़ धाड़ता, सिक्स मारता, लेकिन पढ़ती भी हैं, नो डाउट, उसकी बात पढ़ती है, लेकिन उससे पहले कितना कुछ करने को मिलता है वो, है ना। तो वो चीज़ है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये थी कि मैं यार कुछ डिफरेंट करूँ। मैंने इससे पहले भी शो किए थे जो जिसमें नेगेटिव किया था, लेकिन नहीं चले वो, फिर किया फिर नहीं चला। पर अभी लास्ट, मतलब थैंक्स टू गॉड, है ना, कि अभी जो कर रहा हूँ वो नया शो है और मैं इसमें नेगेटिव कर रहा हूँ, डे वन से करूँगा। सो वो देखते लोगों को कितना अच्छा लगेगा। और मैं बस ये चाहता हूँ कि जब जब मैं स्क्रीन पर आऊँ, जब जब मैं कुछ बोलूँ, तो लोगों को मज़ा आए, देखने मज़ा आए, और लोग बोले भी यार वाकई यार जो कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ताकि लोगों का थॉट बढ़ ले। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या टीवी में हैं, सो लोगों को लगे कि यार कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। अब लोगों को पता है कि हम किस एज में हैं, लोगों को पता है कि अगर मैं 60 साल का बनूंगा तो लोगों को पता है कि 60 साल का बना हुआ है। अब लोग स्मार्ट हो गए, अब लोग पहले जैसा नहीं सोचते कि यार किसने माँ का रोल कर लिया तो इसको माँ का ही रोल मिलेगा, ज़रूरी नहीं होता। मैंने तो दादा परदादा का रोल भी कर लिया साथी में यार, है ना। परदादा का रोल करने के बाद फिर मैं दोबारा जग्गी बन के आ गया। मतलब अगर मैं जग्गी बन गया तो उन्होंने बोला कि यार तुम बहुत यंग दिखोगे। अबे अगर मैं किसी का जुड़वा भाई हूँ तो जुड़वा भाई तो एज तो वैसे ही होगी ना, कितना भी यंग हो जाए। तो टीवी में कुछ नहीं ऐसा होता, है ना। बस ये है कि आपको काम मिलना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो आप कर सकते। ओके, यू नो आपने काम और शो चलने नहीं चलने की बात की है, तो एक शो आपका बहुत टाइम तक चला है जिसने ऑडियंसेस को हमेशा शांत कर रखा था, यू नो। तो अभी लोगों को एक्सपेक्टेशंस आपसे सेम रही है, तो इसके लिए क्या तैयारियां खास की है? मैंने इसके लिए अपने एक लुक बनाया जो आप देख रहे हो, है ना। तो जब जब मैं स्क्रीन पर आऊँगा तो मेरे एक खड़े होने का स्टाइल होगा, बैठने का होगा, बात करने का एक सलीका होगा, एक तरीका होगा, एक नवाबी आपको लेगा गया। अगर नहीं मुझे वो, अगर वो पहले नवाब ही ना दिखे ना, तो वो काम करने कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर आप उस किरदार में नहीं बैठते हो तो आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले वो आपको वो किरदार आपको महसूस करना पड़ेगा। तो मैं एज एन अभी जो किरदार करूँगा वो मैं अपने फ्रेंड्स हैं मेरे कुछ जो पठान हैं, है ना, तो मैं उनके साथ रहा हूँ, तो उनके जो फादर हैं, तो मैं जब ये चीज़ होगी तो मैं आगे जाके डेफिनेटली बताऊंगा तो मैं किसका किरदार निभा रहा हूँ। मेरे एक बहुत नोन है, जान पहचानने वाले हैं, जिनकी दो शादी हुई है और वो अपनी दोनों बीवियों को कैसे रखते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा करता हूँ कि मैं वो कैसे रहते हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है, उनका चलने का, उनका बोलने का। तो कहीं ना कहीं बंदा ये चीज़ें सीखता है, तो मैंने भी सीखी हैं। मैंने कोई किरदार उठाया नहीं है, कोई फिल्म से नहीं उठाया, मैं ये नेचुरल करना चाहता हूँ कि अगर मैं चलूँ तो वो लगे कि भंसा नवाब जा रहा है। लोग अहम को भूल के उड़ान में जो था उसको याद रखे, उड़ान से जो निकला वो समरू में था, समरू को याद रखे, समरू से निकल के अब मैं असगर खान में निकला हूँ, असगर खान बनने में निकला हूँ, तो मुझे लोग अब अहम को छोड़ के असगर खान को याद रखें। तो मेरा ये मानना है कि असगर खान को जितना याद रखेंगे, जितना मुझे लोग बोलेंगे कि यार बहुत गंदा कर रहा है ये असगर, तो बहुत ही बाहियात है असगर, तो बहुत ये है असगर, तो बहुत ही, मैं उतना ही। सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, नॉट इवन मेरी को एक्टर के साथ, मेरा जितने भी इंटायर मेरी पूरी टीम है बहू बेगम की, इवन मेरे डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, जितने भी लोग हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा। आप किसी से पता करोगे, किसी से पूछोगे, वो कहेंगे भाई वो ऑफ स्क्रीन अलग है, ऑन स्क्रीन अलग है। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं कैसा हूँ, है ना, ऑन स्क्रीन कैसा हूँ, ऑफ स्क्रीन कैसा हूँ। तो मुझे बस ये है कि मैं जब स्क्रीन पर हूँ तो मैं अच्छा लगूँ, जब ऑफ स्क्रीन रहूँ तो मैं अच्छा बन के रहूँ, बस। So, बहू बेगम कहाँ देखने को मिलेगा, ताज भी मिलेगा।
कहीं नहीं मिलेगा, टीवी में मिलेगा, जिसका नाम है कलश, है ना। कलश पे आएगा ये 15 जुलाई से मंडे टू फ्राइडे 9:30, और इसका नाम है बहू बेगम। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। जितना आपने मुझे बाकी शोज में प्यार दिया, आप इस शो में मुझे उतना ही प्यार दें। मैं अपने फैंस से उतनी दुआ करूंगा कि जितना आपने मुझे पहले प्यार दिया है उतना ही प्यार दें मेरे शो को, प्यार दें ताकि हमारा शो रनिंग शो बने और एक अच्छा रनिंग शो बन के अच्छा जैसे बाकी शोज बने तो ये बने। थैंक यू सो मच, लव यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब पहली बार ही प्रतीक जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहानी समझाई थी और ये कैरेक्टर बताया था, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाई, क्योंकि इतना खूबसूरत है ये कैरेक्टर। और मैं हाँ कह दिया, और मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि हाँ कह दिया, क्योंकि मैं इसकी पार्ट बन गई एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा यास्मीन प्ले करके। वो किसी का किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या किरदार है, किस किरदार में आप नजर आएंगे? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि माँ का किरदार हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि माँ जो होती है वो रिलीजन में बटी नहीं होती, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, माँ तो माँ है। चाहे उसका नाम यास्मीन हो तो फिर सरला हो, या बंगाली लाबोनी हो, वो रहती है एक ही जैसी है। हाँ, ज़रूर उसके कैरेक्टराइजेशन में हल्का हल्का फ़र्क रहता है। तो जहाँ मैंने पहले जो कैरेक्टर्स किए वो थोड़े हाइपर थे, थोड़े जल्दी बोलते थे, यास्मीन थोड़ी संभली हुई, थोड़ी सब्ड्यूड है, लेकिन फिर भी उसका प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसकी झोली अब थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने अपनी नूर के साथ साथ अजान और शायरा को भी उसमें समा लिया है, लेकिन वो सिमिलर चीज़ बहू बेगम की भी, मतलब उन्होंने अगर अजान को इतना प्यार किया तो वो नूर को भी उतना ही प्यार करती है, और शायरा को भी बाद में वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत सारा प्यार है शो में, और जितने भी लोग घात लगा के बैठे हैं जो नेगेटिव्स होते हैं हमारे शोज़ के, तो उनको थोड़ा हार्ड टाइम मिलेगा, बिकॉज इतना प्यार जब होता है और दोस्ती होती है, क्योंकि बहू बेगम और यास्मीन भी बचपन के दोस्त हैं, और वैसे ही अजान और नूर हैं, तो कैसे दोस्ती, निकाह और मोहब्बत आपस में कई बार उलझ जाती है, और फिर उसकी उलझन की गांठें दूर करने के लिए किस तरीके से कहानी अपने आप को एक एक पन्ना खोलेगी, वही कहानी है वो। ओके मैम, इसी के साथ में दो शो मैनेज करना कितना मुश्किल, कितना टफ हो जाता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो मतलब कुमकुम तो अब करती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा बच्चा हो गया है, अब बड़े बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ कभी कभी 6-7 महीने में मैं क्या कहते हैं प्रज्ञा को कुछ सीन एक्ट करने चली जाती हूँ, सो आई बेसिकली डोंट शूट फॉर कुमकुम। कुंडली अगेन, वो 2 साल का बच्चा हो गया, चलना वलना उसको आ गया, तो मैं उनके साथ 7-8 दिन से ऊपर काम नहीं करती हूँ। तो ये शो जब आया तो मैंने हाँ इसलिए कह दिया, क्योंकि आई कैन मैनेज, और टीवी मैं थोड़ा सा कम डेज ही करती हूँ ताकि अपनी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। मेरी 2 फिल्में आ भी रही हैं। हाँ, मैंने इस शो के लिए, मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीवी मेरे दिल के बहुत करीब है, और टीवी के लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मैंने अपनी एक फिल्म भी छोड़ दी आयुष्मान के साथ, बिकॉज हम लोग सेम टाइम पे आउट जा रहे थे, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट टीवी इज़ समथिंग वेरी डियर टू मी, क्योंकि फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी, ऑल्दो इट्स अ बिग फिल्म, बट आई डोंट वांट टू टेल। नो, आर्टिकल 15 तो जस्ट केम, दैट शूट इज स्टिल गोइंग ऑन, सो आई डिड इट व्हाई, बिकॉज कुछ नहीं, आपको टीवी करने से पहले आपको एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है लोगों को लगता है कि टीवी एक अखबार की तरह है जो रोज़ छपता है और फिर कूड़े में जाता है, लेकिन उस अखबार को छापने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन और जो आपको एक जज्बा चाहिए ना, वो आप में है तभी टीवी करिए, नहीं तो मत करिए। बिल्कुल, और उस ऑडियंस तक पहुंचता है जो 500 रुपए की टिकट लेके अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा जहां तक कहना है कि 2000 या 3000 खर्च करके सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता, उसका एंटरटेनमेंट हम उस टीवी से करते हैं, तभी वो हमको अपना समझते हैं, क्योंकि हम उनके रिमोट पे रहते हैं, तो उनको लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है। मैं अभी एक फिल्म शूट करने हरिद्वार गई थी अप्रैल में, तो एक लेडी आई और वो उनसे लड़ रही थी, जो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम गंगा घाट पे थे, कि अरे वो सरला है, उसको मैं जानती हूँ उसको, द वे शी वॉज डूइंग इट, आई टोल्ड हिम लेट हर कम, सो शी थिंक, ये समझ ही नहीं रहा था, मैं तो जानती हूँ आपको, तो दे थिंक दे नो मी बिकॉज दे वॉच मी सो क्लोजली इन देयर 21-inch टीवी, सो आई एम थैंकफुल टू टीवी फॉर दैट, कि हम उनके दिलों में बसे हुए हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं, और फिर वो सिनेमा पे भी एक्सटेंड होता है, तो और अच्छा इस लगा। बार का ये शो खास इसलिए भी है क्योंकि आप बिल्कुल नए अवतार में नजर आने हाँ, वाली हैं। हाँ, बिल्कुल, पहले कभी हमने आपको ऐसे नहीं देखा है, तो एक्टर को अच्छा लगता है जब थोड़ा सा आपका एक लुक चेंज होता है, बिकॉज आपको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब कैरेक्टराइजेशन भी थोड़ा अलग है और टेकिंग भी थोड़ी अलग है, मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रतीक्षा, इज ब्यूटीफुल डायरेक्टर टू वर्क विथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करना, वो छोटे छोटे नुएंसेस पे काम करते हैं,
एक लुक पे काम करते हैं और कई बार आप इमोशनल सीन करते हैं तो वो आपको दूसरी बार नहीं करने देते, वो एक ही बार में वो ले लेते हैं. उसके लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज टीवी में कई बार हमें दो तीन वो करने पड़ते हैं और वो एक ही बार लेके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. आई लाइक इट क्योंकि मैं खुद रोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार हो जाए, सारी एक मेहनत उसी में चली जाए. ओके मैम, यू नो आल्सो आपने क्योंकि पिछले शोज बहुत ही हिट दिए हैं, तो इस बार थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है कि मतलब ये शो भी? प्रेशर नहीं लेती कब भी नहीं लेती. मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप दिल से काम करते हैं तो वो दिल तक पहुँचता है, और मैं दिल से काम करती हूँ और पहुँचता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद कोई कमी रहेगी अगली बार वो पूरी कर लेंगे. लेकिन काम दिल से करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप रात को अपने आप को शीशे में देखकर चैन से सो तो सकते हैं कि मैंने मेहनत करी, ऑडियंस को नहीं पसंद में आया, शायद उनके दिल को नहीं छुआ होगा, अगली बार मेहनत और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. हाँ, एक फिल्म का नाम दूरदर्शन है, वो गगनपुरी हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें डॉली आलूवालिया जी हैं और मनु छाबड़िया है और राजेश शर्मा हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं और वो हस्बैंड वाइफ बने हैं, और माही गिल है उसमें, और बच्चे हैं वो बधाईयों वाला बच्चा है. तो वो एक फिल्म है, और एक दूसरी फिल्म है जो मैं कर रही हूँ हमारी, उसकी उसका नाम अभी तक रखा नहीं उन्होंने, हमारी भाभी सरिता ऐसा कुछ करके नाम है, जिसमें कि हाँ मुझे पता है वो नाम बड़ा अजीब है तो, लेकिन वो शायद कुछ नाम करेक्ट करेंगे. उसमें मल्लिका शरावत है और रजत जी हैं, रजत कपूर और मैं हस्बैंड वाइफ बने. वो हरिद्वार बेस्ड फिल्म है, सो इट्स अ नाइस फिल्म. वो उसका थोड़ा काम रह गया है अभी, तो वो शायद रिलीज होगी. दूरदर्शन आई थिंक इज रिलीजिंग सून होंगी. तो थोड़ी वो छोटी वाली फिल्में हैं, जैसे आप बधाइयों को नहीं कह सकते छोटा बिकॉज द डायरेक्टर्स बिग एंड एवरीथिंग, बट उसी जॉनरा को बेसिकली टच करती हुई फिल्में. तो आजकल अच्छा है सिनेमा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमें मौका मिलता है. बहू बेगम के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू ऑडियंस, आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे शोज़ को, हमारी पूरी कुमकुम कुंडली फैमिली को, उसी तरीके से इस पूरी मेरी ज़िंदगी की फैमिली में बहू बेगम भी आ रही है. तो बहू बेगम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, हमने बहुत मेहनत से इस शो को किया है, उतने ही प्यार से आप उसे देख लीजिएगा. 15 जुलाई कलर्स, 9:30 मंडे टू फ्राइडे, बहू बेगम. थैंक यू, थैंक यू सो मच. ओके सर, काफ़ी लंबे समय बाद कमबैक कर रही है टेलीविजन पे, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. जरूर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इस शो में, जो यू नो इतने टाइम बाद कमबैक करने का सोचा तो इस शो से सोचा, तो वो खास बात क्या? बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था, एंड जब मैंने ऑडिशन दिया और मैं जब सिलेक्ट हुई तो मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना, एंड आई हर्ड अबाउट द कैरेक्टर, आई मीन आई रियली लाइक इट, और मुझे हमेशा से ऐसा कुछ करना था एंड मुझे वो मिल गया. एंड बिकॉज शायरा इज़ अ वेरी सुल, शी इज़ वेरी यू नो सिंपल सॉर्टेड, एंड शी कीप्स हर रिलेशनशिप टॉप पे, तो ये सब बहुत अच्छा एलिमेंट्स है. एंड आई लव द होल कास्ट एंड द यू नो द स्टोरी. आई कांट रिवील मच, बट यू गाइस विल कम टू नो सून. इसी के संदर्भ में किरदार की बात करें, क्या क्या मतलब रेफरेंस लिया आपने इस कैरेक्टर को, उस किरदार को प्ले करने के लिए? अगर आप एज एन एक्टर कुछ नहीं, मुझे उर्दू सीखनी पड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी हिंदी भी ऐसी ऐसी है. आई वोंट लाई, आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड प्लस शायरा का रहन सहन जो है, जैसे वो बात करती है, जैसे वो एक सिचुएशन हैंडल करती है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आई नीड टू लर्न, एंड आई एम लर्निंग, एंड बस चल रहा है. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सबको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एंड जो कपड़े हम पहन रहे हैं इट इज़ हैवी, एंड यू समटाइम्स आई रियली गेट इरिटेटेड, बट हम ही दिख रहे हैं और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव रिव्यू आया है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग हियर. एंड वी मैं तो बहुत ज़्यादा ही फूडी इंसान हूँ. वैन वी आर शूटिंग इन बीकानेर, तो वहाँ पे सब बोल रहे थे डाइट करो, बट कुछ नहीं, हम सिर्फ बिरयानी और लाल मांस खा रहे थे, एंड बहुत मज़ा आया. बीकानेर वॉज वेरी हॉट, बट हम सब ऐसे पंखे में ऐसे ऐसे करके वी आर एन्जॉइंग, इट वॉज फन. शो की सबसे खास बात क्या लगी? शो की सबसे खास बात है उसका कॉन्सेप्ट,
इट्स नॉट वैसे कि अरे मतलब जो दो निकाह वाला है वैसा कुछ नहीं है कि मर्द अपनी मर्जी से कर रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशंस की वजह से आई एम यू नो लाइक मैं हम लोग सब हैंडल कर रहे हैं एंड यू गाइस विल गेट टू नो बट इट इज इट्स रियली नाइस आई नो फिंगर्स क्रॉस्ड थैंक यू. लास्टली क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगी प्लीज़ गाइज डू वॉच बहू बेगम ऑन कलर्स 15 जुलाई से 9:30 PM सॉरी नॉट AM एंड ऑल्सो ऑन वूड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके सबसे तो नया शो है इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. कुछ बताइए इसके बारे में किस तरीके का शो होने वाला है बहू बेगम. बहू बेगम इज सेट इन अ वेरी नवाबी बैकग्राउंड. प्यार और दोस्ती में कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है एंड दैट इज़ द सेंट्रल प्रेमिस. मैं रज़िया का किरदार निभा रही हूँ. शी इज़ द बहू बेगम ऑफ भोपाल एंड शी इज़ फ्रॉम अ नवाबी बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट. लेकिन लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं जिस वजह से जो भी वैल्यूज़ आर डियर टू हर वो बिखर जाते हैं और लाइफ किस तरह से रीबिल्ड करनी पड़ती है. ओके इसी के साथ अगर बात करिए तो रज़िया के किरदार की जिस तरीके से आपने बात कही है तो मतलब किस तरीके का किरदार होने वाला है एंड किस तरीके के किरदार में आप नज़र आने वाली हैं अवार्ड दे रहे हैं. रज़िया के बारे में तो बता दिया मैंने मतलब आपको कि कैसे किस तरीके से ग्रोथ होगा कैरेक्टर का इस शो में भी रहता है. एज आई सेड शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडेड पर्सन यू नो विद वेरी डीप बिलीव इन इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन. लेकिन लाइफ में यू नो कई हादसे होते हैं जिस वजह से लाइफ उनकी बिखर जाती है एंड यू नो फिर लाइफ को रीबिल्ड करने में क्या चेंजेस आते हैं उनके कैरेक्टर में उनकी आउटलुक में दैट इज़ हर कैरेक्टर ग्राफ. आपका एक शो था यू नो जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था तो उसकी याद कहीं ना कहीं आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही ही ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपने कितने मेमोरीज रिकलेक्ट की जब ये शूट कर रही थी तो? नॉट सो मच मेमोरीज बट डेफिनेटली यू नो मैंने शो को हाँ कहने के बाद मुझे ध्यान में आया that there are similarities and that is also something of great interest to me. At two points in a woman's life you know though alag stages of a woman's life may similar circumstances so that is interesting for me to play. Yeah also you know Prateek ji ne kaha ki aapne sirf 3 minute mein shayad se ye kirdar ke liye I think Prateek ne thoda fast forward kar liya hai time ko is hisab se 3 minute to nahi lage the kafi samay laga tha but Prateek bahut hi sweet hai is tarah se unhone persuade kiya you know to play this character. Yeah to sabse zyada kya kis baat ne attract kiya shoot kiya the baat as I said the storyline is really powerful. मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ कहा है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलीविजन में पहले शायद देखने को नहीं मिला है एंड रज़ियाज़ कैरेक्टर देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप यू नो फॉर अ कैरेक्टर ग्राफ. कितना रिलेट कर पाए अपने नन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले आर लाइक मी बट आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू फाइंड समथिंग इन योर सेल्फ दैट that resonates with the part that you're playing. Ye zaruri hota hai to make it real for yourself to make it convincing for yourself and to be able to play it convincingly. You know wo kis tarah se relate karna hai wo apne aap mein dhoondna padta hai and yeah. Okay chiki zaruri hai television mein aane mein thoda sa waqt laga diya wapas kya bacha rahe ye sab mujhse poochte hain. Main projects के बीच में गैप तो होता है बट वापस आना कहीं जाना यू नो आई कांट डू प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक. दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं नॉट टेलीविजन देयर इज फिल्म्स देयर इज वेब सीरीज तो गैप आ जाता है. इट्स नॉट समथिंग बाय डिज़ाइन. या बीजी के साथ में बहुत सारे किरदार आपने प्ले करे हैं चाहे वो फिल्म्स में हो या टी वी पे हो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो करीब हो. I enjoy the work that I do but I don't become terribly attached to them at all. Yeah. Okay, iske sath hi baki co-stars ke sath mein kaisa anubhav raha kaam karne ka aapka?
बहुत ही अच्छा. आई रियली गेटिंग टू नो सबको मैं पहली बार मिली हूँ एंड आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ देयर वर्क बिफोर बट आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो देम. दे आर लवली पीपल, ग्रेट फन, लवली एनर्जी ऑन सेट, बहुत मस्ती करते हैं, नॉन स्टॉप बातें होती है, इट्स रियली एंजॉयबल. सबसे ज़्यादा मतलब दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ हो रही है? ये तीनों की दोस्ती तो अलग जगह है एंड आई एंजॉय एवरीवन्स कंपनी या ऑन सेट. या ओके, लास्टली एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगे आप सेट पर का? मज़ेदार किस्सा राजस्थान के यू नो भूत बंगलों की कहानियाँ सुनी हैं आपने? सबसे पूछिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं सबके साथ. वो मज़ेदार नहीं है, वो काफ़ी हॉरिफाइंग है. बिरयानी वाली कहानी सुनी है? कौन सी बिरयानी वाली कहानी? बिरयानी चाहिए. हाँ, वो दोनों देवर शेयरिंग अ रूम, मतलब एक दूसरे के रूम में रहती थी डर के मारे. तो याद है दैट बिरयानी स्टोरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. बताने वाली थी मैम वो राजस्थान वाली स्टोरी कौन सी थी जिसे आप कह गई थी कि कोई और था? सबसे पूछिए क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सबके साथ. सबको लगता था राजस्थान में तो डेफिनेटली हवेलियों में हर एक ऐसी कोई हवेली नहीं है जिसमें कोई हॉन्टिंग की कहानी ना हो. तो यू नो सब रात में ऐसे जागते थे. ओके. इसके साथ ही मैम अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यू नो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक रखा गया है आपका इस शो के लिए, नवाबी स्टाइल. आपको वक्त लगा इस कैरेक्टर को कैच करने में या फिर यू नो कुछ कुछ पहले से प्रैक्टिस की थी इस लैंग्वेज को, जो नवाबी लैंग्वेज होता है उसको उसके लिए प्रिपेयर करने में? पहले से तो नहीं, बट डेफिनेटली वंस यू टेक ऑन अ पार्ट टू प्ले उसमें एफर्ट तो करना पड़ता है. यू नो खासकर टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, टू बी ट्रू टू द बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम, डेफिनेटली वन हैज़ टू बी माइंडफुल. यू नो सोच डालनी पड़ती है उसमें, आइडियाज़ अपने लाने पड़ते हैं डेफिनेटली. या लुक के बारे में दे गिवन हर अ वेरी रीगल लुक, ट्रेडिशनल ज्वेलरी विच आई एम हैप्पी अबाउट. हैवी हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, बट यू नो दिस इज अ दे वांटेड अ वेरी रीगल लुक फॉर हर. ओके, सो लास्टली मैम कब और कहाँ देखने होने वाला है? 15th July 9:30 PM on Colors. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.